भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए तीसरे वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड को 16 रनों से मात दे दी है। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। शानदार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने अनुभवी गेंदबाज झूलन गोस्वामी को यादगार विदाई दी। झूलन गोस्वामी ने भी बॉलिंग में दमखम दिखाते हुए कुल 2 विकेट चटकाए। भारतीय महिला टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को 16 रनों से मात दे दी है। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। इंग्लिश महिला टीम को जीतने के लिए 170 रन का टारगेट मिला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी एक नहीं चली और पूरी टीम 153 रन पर सिमट गई। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अनुभवी गेंदबाज झूलन गोस्वामी को यादगार विदाई दी। टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआती सदी रही थी और उसने 7.3 ओवर में बगैर विकेट खोए 27 रन बनाए। इसके साथ रेणुका सिंह ने 3 विकेट लेकर इंग्लिश पारी की कमर तोड़ दी। झूलन गोस्वामी ने भी रेणुका का बखूबी साथ निभाया और दूसरे एंड से कसी गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी लिया। दोनों की बॉलिंग का नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड की टीम ने 50 रन के भीतर ही 4 विकेट खो दिए। फिर इंग्लैंड ने 3 विकेट और गंवाए, जिसके चलते उसका स्कोर 7 विकेट पर 65 रन हो गया। ऐसे में कप्तान एमी जोन्स और चार्ली डीन ने 38 रन जोड़कर मुकाबले में रोमांच पैदा करने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ तक। धन्यवाद।